हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। तो अभी सीधे आ जाएंगे मेन टॉपिक पे। तो देखिए, आज हम लोग एनालिसिस करेंगे फिर से ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में, ठीक है। तो देखिए, आज के डेट में मतलब लास्ट कल के डेट में ये शेयर लास्ट क्लोजिंग डेट पे आपका क्लोज हुआ था 480.40 पे, ओके। एंड उस दिन ये शेयर आपका हाई गया था 485.95 पे एंड लो गया था 434.60 पे। फिनस्टैंड ने इस कंपनी को 3 out of 5 का रेटिंग दिया है। तो देखिए, पिछले महीने इस महीने इसके बारे में एक एनालिसिस करके वीडियो बनाया था, उस टाइम इस शेयर का प्राइस चला था 428। तो मैंने बोला था ये शेयर आपका एक महीने के अंदर आपका 480 का टारगेट अचीव करेगा, जो कि ऑलरेडी कर चुका है। तो अभी आगे इसको क्या करना, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा इस शेयर के एक बार फंडामेंटल चेक कर लेंगे, ओके। इस कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटल है ₹5,920.45 करोड़, एंटरप्राइज वैल्यू है आपका ₹6,295.75 करोड़ एंड पीई रेशियो है 28.03। इस कंपनी के ऊपर अभी डेप्थ है ₹446.88 करोड़ का। तो इसका जो डेप्थ इक्विटी रेशियो निकल के आ रहा है वो आपका आ रहा है 0.58। तो किसी भी कंपनी का अगर डेप्थ इक्विटी रेशियो एक और एक से कम होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे एक से कम ही है। इस कंपनी का ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर है ₹17.23, रिटर्न ऑन इक्विटी है आपका 10.36% एंड आरओसी आपका है 11.61%। इस कंपनी में लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आपका सेल्स ग्रोथ हुआ है 18.63% एंड प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 370.20%, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। इस कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग है 53.1%। अगर किसी भी कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, एंड यहाँ पे 40% से ज्यादा ही है। और एक अच्छा बात है, ये जो आपका 53.1% प्रोमोटर्स का होल्डिंग है, इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है। तो फंडामेंटली ये एक अच्छा कंपनी है, इसीलिए फिनस्टैंड ने इसको 3 out of 5 का रेटिंग दिया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इसका चार्ट पे और एक बार इसका चार्ट भी एनालिसिस कर लेंगे। तो अभी देखिए, मैंने स्क्रीन पे इस शेयर का 1 day का बिना इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट ओपन कर लिया है, क्योंकि बिना इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट में हम लोगों को एक क्लियरली समझ में आता है कि कौन सा शेयर आपका अपट्रेंड में है, कौन सा शेयर आपका डाउन ट्रेंड में। तो देखिए, मई का महीने में मतलब 2021 मई का महीने में इस शेयर का प्राइस चला था लगभग 233 इस रेंज में, ठीक है। और यहां से अगर देखेंगे तो क्लियरली हम लोगों को एक अपट्रेंड दिखेगा, और अभी कितना चल रहा है आपका 480 करीब, मतलब आपका 8-9 महीने के अंदर ए शेयर आपका लगभग डबल से भी ज्यादा रिटर्न दे चुका है, जो कि एक बहुत ही अच्छा बात है। तो चीजों को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग सीधे चले जाएंगे इस शेयर के एक बार इंडिकेटर लगा हुआ डेली चार्ट में। तो अभी देखिए, मैंने स्क्रीन पे इस शेयर का 1 day का इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट भी ओपन कर लिया था। तो देखिए, कल के दिन में यहाँ पे एक जबरदस्त पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ था एंड इस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल दे दिया था, जो कि एक टेक्निकली अच्छा बात है। एंड आपका आज के डेट पे ए शेयर जिस प्राइस पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है वो आपका डेली चार्ट के हिसाब से 50 days मूविंग एवरेज, 100 days मूविंग एवरेज एंड 200 days मूविंग एवरेज, तीनों मूविंग एवरेज से ऊपर ही है, जो कि एक अच्छी बात है। RSI भी यहाँ पे आपका अबव 60 है और MACD भी 0 point से ऊपर है, और MACD का लास्ट जो कैंडल फॉर्म हुआ है वो भी आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ है। मतलब डेली चार्ट के हिसाब से क्लियरली हम लोगों को यहाँ पे बुलिश साइन दिख रहा है। तो चीजों को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग सीधे चले जाएंगे इस शेयर का एक बार वीकली चार्ट में। तो अभी देखिए, मैंने स्क्रीन पे इस शेयर का वीकली चार्ट भी ओपन कर लिया है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इस जगह पे, मतलब आपका लगभग ये शेयर 2020 अगस्त का महीने में चल रहा था ₹25-30 के करीब, ठीक है। और यहां से अगर देखेंगे तो क्लियरली हम लोगों को एक अपट्रेंड दिखेगा, मतलब क्या आपका 2020 अगस्त महीने से अभी कितना महीना हो रहा है, 1 साल आपका 5 महीने के करीब हो रहा है। तो 1 साल 5 महीने के अंदर ये शेयर ने लगभग आपका 16 गुना रिटर्न दे चुका है। और यहाँ पे देखिए, ये आपका था 2021 मई का महीना, यहाँ पे आपका
एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ था एंड इस कैंडल में सुपर 10 ने आपका बाई सिग्नल भी दे रहा, तब से देखिए ये शेयर आपका ऊपर की तरफ ही भाग रहा है। ठीक है, अगर आरएसआई की बात करेंगे तो आरएसआई भी अबव 60 और एमएसडी भी आपका 0.0 से ऊपर है। मतलब ओवरऑल वीकली चार्ट में भी क्लियरली हम लोगों को यहाँ पे बुलिश साइन दिख रहा है। तो चीजों को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग सीधे चले जाएंगे इस शेयर के एक बार मंथली चार्ट में। मंथली चार्ट में जाने से पहले और एक चीज मैं रेक्टिफाई करना चाहूंगा, मैं यहाँ पे गलती से बोल दिया था ये अगस्त का महीना है, ये एक्चुअली आपका अप्रैल का महीना है। ठीक है, इस जगह पे देखिए ये जो आपका कैंडल फॉर्म हुआ था ये आपका अप्रैल का महीने में, मैंने इस वीडियो में थोड़ा देर पहले गलती से बोल दिया था कि अगस्त का महीना है तो ये अगस्त का महीना नहीं है। तो अभी हम लोग सीधे चले जाते हैं मंथली चार्ट में। तो अभी देखिए मैंने स्क्रीन पे इस शेयर का मंथली चार्ट ओपन कर लिया और मंथली चार्ट देख के कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्लियरली हम लोगों को यहाँ पे अपट्रेंड शो हो रहा है और यहाँ पे देखेंगे तो लगातार दो महीने से हम लोगों को पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। आरएसआई भी यहाँ पे आपका 60 के लेवल पे है। तो ओवरऑल अगर बात करेंगे तो इस मुझे बहुत ही बुलिश लग रहा है। तो अभी जो इसका करंट मार्केट प्राइस है लगभग 480 का, अगर इसी रेंज में इस शेयर को खरीदा जाए और अगर आप लोगों का नजरिया मिनिमम 6 महीने का भी है तो मुझे जो लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के अंदर ये शेयर आपका 650 का जो टारगेट है वो भी अचीव कर जाएगा। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जल्द कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं एंड मैं यहाँ पे किसी भी तरीके कुछ भी टिप्स नहीं देता। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है, कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है। तो आज के लिए इतना ही, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।